भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंटेन यूनिवर्स के ऐसे विलन्स जिन्हें आप कम समझते हैं लेकिन वो कम है नहीं। यानी कि यार बेंटेन यूनिवर्स के ऐसे टॉप 5 विलन्स जिन्हें कम समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई ये अच्छे अच्छों को हरा सकते हैं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई नंबर 5 पर आता है कुंडो, या फिर कहें मास्टर कुंडो। भाई एक रेवोना गेंडर है और इसका होम वर्ल्ड है रेवोना। इसके पास एन इंच स्पीयरमैनशिप, एन इंच स्ट्रेंथ, एन इंच एजिलिटी और एन इंच एक्रोबेटिक्स जैसी एबिलिटीज हैं। इसके अलावा इसके पास टेक्नोपैथी, टेक्नोकिनेसिस और एन इंच हैकिंग जैसी एबिलिटीज भी हैं। और भाई ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। वैसे तो भाई ये बेंटेन का पर्सनली दुश्मन नहीं है, क्योंकि इसकी दुश्मनी तो भाई रुक ब्लॉन्को से है। भाई कुंडो नहीं चाहता था कि रुक और रुक की सिस्टर किसी और प्लेनेट पर जाकर प्लमर बनने की ट्रेनिंग ले। भाई ये वही लोग होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुंडो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है, इसलिए केकन हॉक भी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया था। भाई कुंडो ने बेंटेन की काफी अच्छी तरह से पिटाई भी कर दी थी, फिर भाई अपने रुक भैया ने ही इन्हें डिफीट किया था। तो भाई नंबर 4 पर आता है रैग्नारोक। मैं थॉर रैग्नारोक की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं बेंटेन यूनिवर्स के एक पावरफुल विलन यानी कि रैग्नारोक की। बात करेंगे इसकी स्पीसीज की, तो ये हाफ ह्यूमन है और भाई इसकी हाफ स्पीसीज अभी भी अननोन है। इसके पास एन इन स्ट्रेंथ, एन इन ड्यूरेबिलिटी, एन इन एजिलिटी और एन इन रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटी। रैग्नारोक टेलीपोर्टेशन कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और सोलर एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके अलावा रैग्नारोक के पास सोलर बीम प्रोजेक्शन और सोलर बोल्ट प्रोजेक्शन जैसी एबिलिटीज भी है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई इसने केविन को आराम से डिफीट कर दिया था। रैग्नारोक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक में भी आराम से सर्वाइव कर गया था और गोएन के मेना अटैक से भी इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। रैग्नारोक पावरफुल सोलर एनर्जी रेस को फायर कर सकता है, जो कि एक ही बार में किसी को भी डिफीट करने का पावर रखती है। रैग्नारोक को वीक बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि केविन के डैड और मैक्स टेनिसन दोनों मिलकर भी इसे डायरेक्टली डिफीट नहीं कर पाए थे। भाई नंबर 3 पर आता है सन्डर। इसके पास एन इन स्ट्रेंथ और एन इन ड्यूरेबिलिटी भी है, भाई ये कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है। इसके अलावा इसके पास वेपन प्रोफिकेंसी, गैजेट प्रोफिकेंसी, बेस्ट आर्टिफैक्ट नॉलेज जैसी एबिलिटीज भी है। सन्डर की स्ट्रेंथ की तो बात मत करो, इसके सामने अल्टीमेट कैनन बोल्ट, गोएन, केविन और यहां तक की यूनिस भी चले गए थे, लेकिन भाई ये चारों मिलकर भी इसे डिफीट नहीं कर पाए थे। भाई इसने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को भी आराम से नॉक कर दिया था और भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, क्योंकि डायमंड हेड के पावरफुल अटैक्स का भी इस पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। भाई सन्डर के पास काफी पावरफुल वेपन्स हैं और भाई जो चीज सन्डर को चाहिए सन्डर को उसे लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक एपिसोड में तो इसने अपने बेंटेन भैया का हैंड ही काट दिया था और भाई एक एपिसोड में यूनिट्रिक्स को वापस लेने के लिए बेंटेन, गुएन और केविन तक से तीनों से ही लड़ गया था। भाई नंबर 2 पर आता है सर्वांटिस। ये इलेक्ट्रिकल टेलीपैथी और इलेक्ट्रिकल टेलीकिनेसिस कर सकता है, ये फ्लाई भी कर सकता है। इसके पास एनहांस्ड इन्वेंटिंग, एनहांस्ड इंटेलिजेंसी और भाई स्किल्ड मैनिपुलेटर भी है। इसके अलावा इसके पास ओपनेबल क्रेनियम, कॉस्मिक अवेयरनेस और इलेक्ट्रोकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी हैं। भाई इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी अपने बेंटेन भैया से है और भाई इसका सबसे पावरफुल वेपन इसका माइंड है। भाई रियली में सर्वांटिस काफी ज्यादा पावरफुल है, ये किसी के भी माइंड में कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। भाई उसकी मेमोरी को डिलीट कर सकता है और एक नई मेमोरी क्रिएट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में यार सर्वांटिस अपने अपोनेंट का ब्रेन वॉश कर सकता है, जैसे कि उसने ओमनिवर्स सीरीज में किया था। तो वही फाइनली नंबर 1 पर आती है एलिना वैलिडस। ये ह्यूमन और नैनो चिप दोनों ही स्पीसीज से बिलोंग करती है। अब आप लोग कहेंगे कि ये विलन नहीं है, तो देखो भाई ये बेंटेन के लिए विलन नहीं है लेकिन बाकी सभी के लिए ये एक विलन है। भाई बेंटेन के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके पास एनहांस्ड स्ट्रेंथ, एनहांस्ड इंटेलिजेंसी और नैनोकिनेटिक एनहांस्ड जैसी एबिलिटीज है। भाई एलिना ऑर्गेनिक लाइफ को क्रिएट कर सकती है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकती है, टेक्नोकिनेसिस कर सकती है और भाई कॉम्बैट में भी काफी अच्छी है। इसके पास ग्रेट एथलेटिक्स स्किल्स, मार्शल आर्ट जैसी पावरफुल एबिलिटीज भी है, इसलिए तो भाई ये कॉम्बैट में काफी अच्छी है। इसके अलावा इसके पास नैनो चिप गन्स, नैनो चिप कंट्रोल, शेप शिफ्टिंग, मेटल क्लॉज और टेक्नोलॉजी ऑरा जैसी एबिलिटीज भी है। एलिना अपने बेंटेन भैया को लाइक करती है, इसलिए ये बेंटेन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। भाई बेंटेन भैया के भी कई एलियंस इसे डिफीट नहीं कर पाए थे और भाई इसकी नैनो चिप तो काफी ज्यादा पावरफुल है। भाई एलिना वैलिडस अपनी नैनो चिप की हेल्प से जूली में भी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। भाई इस नैनो चिप क्वीन यानी कि एलिना को डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई इसके पास नैनो चिप की पावर है। भाई देखो अपने बेंटेन भैया के लिए एलिना विलन नहीं है, लेकिन ग्वेन और केविन के लिए ये एक विलन ही है, क्योंकि भाई ये बेंटेन के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी हटा सकती है अपने रास्ते से। तो भाई आपको आज का ये ऑसम वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।